Hello everyone, is the audio and video clear? We'll start in next few seconds. Give me thumbs up agar aapko sab kuch sahi lag raha hai. Good evening everyone. Bahut important session rehne wala hai. And jo ek major pain point hai bahut sare students ka ki sir national parks, we have close to 106 national parks, wildlife sanctuaries to more than 500 I guess. तो उसमें से भी कौन से important है? So if you see news articles, there are so many wildlife sanctuaries. उसमें भी what we have done is we have taken all the most important national park, wildlife sanctuaries, and in this session हम सिर्फ उसको narrow perspective से नहीं करने वाले. मतलब we'll try to cover the basics, animal related thing, उससे related कौन सा forest मिलता है, उसमें animals मिलते हैं तो उनका IUCN status क्या है, उनके why they were in news, तो वो सारे points भी हम cover करने की कोशिश करेंगे. तो it's going to be an important session and I just want everyone to be there till the end. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में ही you are out. So make sure आपका concentration for next, let's see कि कितना आप खींच सकते हैं इस content को. One more important thing, notes मिलेंगे, description में link है, notes मिलेंगे, but सिर्फ notes पढ़ना is not a solution. I always say कि audio visual memory का बहुत impact है preparation में. क्या होता है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं है, वो पैसिव वे ऑफ लर्निंग है. इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एंश्योर कि हम सारी चीजें कवर करेंगे जो भी मैपिंग रिलेटेड है. चलेगा, लेट्स स्टार्ट इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स. ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर टूडे सेशन. इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच दिस सेशन. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड यू विल रियलाइज कि क्यों इतना सेशन इंपॉर्टेंट है. चलेगा, लेट्स स्टार्ट. सी इफ यू सी प्रोटेक्टेड एरियाज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज अराउंड दिल्ली विच यू शुड नो एंड इट इज ऑलवेज इन न्यूज. तो एक इंपॉर्टेंट कौन सा है ये आपको पता चाहिए, दैट इज असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फ्यू ईयर्स बैक ऑल्सो इट वॉज इन न्यूज दैट वट वन ऑफ द कोर्ट सजेस्टेड की 1 किलोमीटर अराउंड दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुड बी इको सेंसिटिव जोन. एंड अदरवाइज ऑल्सो इफ यू सी न्यूज पेपर विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, विद रिस्पेक्ट टू हरियाणा, यू विल ऑलवेज फाइंड मेंशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन न्यूज. सो बेसिकली इट इज अराउंड दिल्ली हरियाणा बॉर्डर. मैं मैप दिखाऊंगा लेकिन इट इज अराउंड दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है, अरावली रेंजेस पर है. इंपॉर्टेंट है कहाँ है ये, इट इज अराउंड अरावली रेंजेस है. इफ यू सी हियर, आपको यहां आपको दिखेगा इस मैप में ऑन द सदर्न साइड ऑफ दिल्ली नियर टू हरियाणा बॉर्डर. तो हियर व्हाट यू विल फाइंड इज, सेंचुरी असोला भाटी सेंचुरी. तो एक इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है, क्लोज टू दिल्ली है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है. कहां है, साउथ ऑफ दिल्ली, क्लोज टू हरियाणा. यू शुड नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू से, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट इज एनिमल्स फाउंड हियर. अगेन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, लेपर्ड्स मिलते हैं, IUCN स्टेटस हम साइड बाय साइड पढ़ते रहेंगे. थ्रू दिस सेशन हम आपके इतने सारे एनिमल्स के IUCN स्टेटस का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे कि इस सेशन के बाद आपको सब कुछ टिप ऑफ द टंग रहेगा. चलेगा, चलेगा, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लेपर्ड्स मिलते हैं, ब्लैक नेक हेयर इज रैबिट का एक टाइप है, तो वो मिलता है. उनका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, ब्लैक बक लीस्ट कंसर्न. ब्लैक बक बहुत ज्यादा न्यूज में है, इट इज इन न्यूज. इफ यू हैव सीन सलमान खान केस हो गया, there was a few important sanctuaries, a specific conservation area was designated for black buck. So black buck jana bahut zaruri hai, is saal definitely question aa sakta hai black buck par. If you see, you have a specific black buck conservation reserve which was established in Prayagraj, UP mein, and this was done by UP government. So ek important hai, black buck conservation reserve was established near Prayagraj, so ek important hai. And black buck is the state animal of पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश. तो अनदर इंपॉर्टेंट चीज विच यू शुड नो इज पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश. सी, चलेगा, यहां तक समझ आ गया. नेक्स्ट इज हियर यू शुड नो, जब भी हम ब्लैक बक देख रहे हैं, चीरू राजस्थान में, व्हाट यू, चीरू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में. इफ यू सी हियर व्हाट वी हैव इज ताल चपार ब्लैक बक सेंचुरी, एक इंपॉर्टेंट है. एंड दिस सेंचुरी व्हाट वी हैव इज विच टाइप ऑफ
व्हाट यू से वेजिटेशन वी हैव इज ग्रासलैंड्स है मेजरली. यहाँ मोथिया नाम का एक ग्रास मिलता है एंड व्हाट यू फाइंड इन दिस एरिया, दिस इज चिरू डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको पता चाहिए. एंड हियर ऑल्सो व्हाट वी फोकस इज ऑन ब्लैकबक कंजर्वेशन एरिया, ब्लैकबक कंजर्वेशन पर फोकस करते हैं. तालचपार ब्लैकबक सेंचुरी कहाँ है, राजस्थान में चिरू डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट इज मोतिया ग्रास, एज आई टोल्ड यू ये ग्रास लैंड है. यहाँ एक मोतिया नाम का एक इंपॉर्टेंट ग्रास मिलता है विच हैज अ स्वीट फ्रूट, छोटा पर्ल टाइप फ्रूट रहता है उसका, एंड विच इज अ स्वीटर साइड है. यहाँ डेजर्ट कैट एंड फॉक्स मिलते हैं, एक इंपॉर्टेंट है. इफ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, हमेशा इफ यू हैव सीन न्यूज आर्टिकल्स में क्या होता है, न्यूज आर्टिकल में क्या होता है, यू हैव ब्लैक बक इज इन न्यूज. बट इफ यू कैन टेल मी, इफ आई आस्क यू राजस्थान का स्टेट एनिमल क्या है, if I am giving you options, is it chinkara, it is camel, is it black buck, yeah, great indian bustard. Can you tell me a b c d? Everyone has to attempt this question, everyone has to attempt. Chale, tell me Rajasthan ka what is c, state animal puch lo, state animal. Chale, see, everyone is confused. Everyone is confused. 90% wrong answer are. And you'll be surprised with respect to answer. You'll be surprised. See, simple lagta hai questions kabhi kabhi, lekin you should know. If I ask you, Salman Khan is booked. Aur ek question, theek hai, aage dekhenge. Chalega. So first important cheez I would like to tell you, राजस्थान के दो स्टेट एनिमल हैं. फर्स्ट इज चिंकारा, इज द वाइल्ड वाइल्ड स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, एंड कैमल इज डोमेस्टिक और डोमेस्टिक व्हाट यू से स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान. तो ये दो है, यू शुड नो राजस्थान हैज टू व्हाट यू से टू स्टेट एनिमल्स. चलेगा. नेक्स्ट इज ब्लैक बक यहां मिलता है. Secondly, you should know Great Indian Bustard is state bird hai. I asked you about animal, theek hai, state bird hai. To ye ek important aspect aapko pata chahiye, lekin chinkara and black buck, bahut sare logo ko lagta hai Salman Khan. Next question is why I'm asking you is because what you do is you read from in a very superficial way. Why black buck? Salman Khan was prosecuted, or the case with respect to Salman Khan, is it with respect to black buck or chinkara? Can anyone tell me, is it A, B or A and B? Can anyone tell me he is booked for killing, or the prosecution is for chinkara, black buck, ya dono ke killing mein? And kya difference hota hai? You have been reading chinkara black buck, but do you know, are they different? See, everyone is confused. Black buck है या चिंकारा है? None, मतलब एक भी सही आंसर नहीं है. And that is the reason. See, superficial knowledge and questions क्यों नहीं attempt होते answer UPSC में is because what you do is you read from a superficial way. तभी solve नहीं हो रहे answers. See, the news article, if you see the Hindu का article मैंने लाया है, he was involved in both the cases. He killed, matlab there is a, there is a charge against him. He's been accused that he is killing of chinkara also and two black buck also. So, ek important hai, yahan important hai. Aapko lagta hai ki har bar confusion hota hai. Dono ka IUCN status same hai. Dono ek jaise thoda sa similar lagte hai. But there is a difference. So, he is booked for both A and B, black buck and chinkara. Chinkara is revered by Bishnoi committee, aapko pata chahiye. For them it is like a god. To ek important animal hai Rajasthan ka and which has been revered by Bishnoi committee community. To ye aapko pata chahiye. Next is you should know ki chinkara and black buck mein difference kya hai. Agar aapko difference nahi pata hai to what is the use of studying? MCQ yahi se uthayega UPSC. To basically chinkara is what, it's a gazelle hai. तो गैजल इज अ टाइप ऑफ एंटीलोप ही होता है. मैं आगे बताऊंगा डिफरेंस एंटीलोप एंड डियर का डिफरेंस क्या है. तो चिंकारा इज व्हाट अ टाइप ऑफ गैजल है, ठीक है. मतलब एंटीलोप में ही एक सब कैटेगरी गैजल्स है. ब्लैक बक इज अ फैमिली लार्जर
belongs to a larger family of antelope. Chinkara kya hota hai? Unka upper part is brown. Ye dekhiye, ye brown, brownish color hai. Whereas black buck ka ye blackish color hai. Secondly, chinkara smaller hote hai. Smaller in size. Whereas black bucks are relatively large in size. Chinkaras are solitary animals and black bucks live in herd. To ye difference aapko pata chahiye. Ye difference janna bahut zaruri hai. Chalega? बस समझ आ रहा है चीजों को कि क्वेश्चंस कहां से आएंगे, क्यों आएंगे. जब तक आप लॉजिकली पढ़ोगे नहीं चीजों को, सिर्फ रट्टा मारोगे चीजों को, तो नहीं होने वाला है. आपने कोई जो मैगजीन आ रहा है 360 डिग्री मैगजीन, आपने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन जब तक वो क्लैरिटी नहीं देगा, ऐसी क्लैरिटी कब आएगा? नहीं आएगा. चलेगा? ठीक है, तो होपफुली ये आपको पता चल गया. नेक्स्ट इज डियर एंड एंटीलोप. डियर एंड एंटीलोप, सी डियर भी होते हैं. How are deer? ये दोनों सेम लगते हैं, डियर एंड एंटीलोप. डिफरेंस क्या है भाई? डियर एंड एंटीलोप में डिफरेंस क्या है? पता चाहिए, क्योंकि you have heard about so many deer, spotted deer हो गया, चीतल हो गया. How is चीतल different? These both are different categories. आपको डियर एंड एंटीलोप में आप हमेशा कंफ्यूजन करोगे, लेकिन बेसिक्स जानना जरूरी है. सी बेसिकली डियर इज वॉट, अगर आपको उसके फैमिली जानना नहीं है, आपको पता चाहिए एंटी, जो डियर के एंटलियर्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, दे आर शेड, दे आर ब्रांच्ड एंड दे शेड एंड ग्रो एवरी ईयर. तो डियर के हॉर्न्स होते हैं, डियर के जो हॉर्न्स होते हैं, दीज आर ब्रांच्ड होते हैं, जो डियर के हॉर्न होते हैं, and they are shed and they grow again. तो एक important है. Whereas antelope, जैसे antelope में कौन सा आएगा? Black buck हो गया, नील गाय हो गया, हमारा चिंकारा हो गया, उसके horns are permanent horns. तो एक important है. Example अगर मैं दूँ, चीतल, musk deer, sangai deer, swamp deer, sambar deer, ये सारे deers हैं. And whereas हमारे antelopes में कौन सा है? Four horn antelopes, goat antelope, gazelles, ये सारे क्या है? Antelope. One of the gazelles is chinkara. One of the type of gazelles is chinkara. Black buck is a, ठीक है? Antelope के अंदर एक sub category है gazelles. उसमें chinkara आता है, which are smaller, which are brownie in color. ठीक है? समझ आया? Give me thumbs up अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया. यहाँ तक समझ आ गया तो give me thumbs up so that I can move to the next topic. चलें. नोट्स मिलेंगे, सो डू नॉट फोकस ऑन द नोट्स. यहां जान लो चीजों को, समझ लो, सो दैट वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सी खुद से पढ़ने जाओगे, रिसर्च करने जाओगे, टाइम लगेगा. यहां कॉन्सेंट्रेशन करो. एक दो घंटा हम यहां पढ़ेंगे, जितना भी टाइम हम पढ़ेंगे, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स रहेंगे, नोट्स तो पूरे की चीजों, पूरे जो इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं, उतने के हम आपको नोट्स देंगे एंड बहुत इफेक्टिव तरीके से कवर होगा. चलेगा? नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू, यहां हम वेयर डिड वी कम फ्रॉम, व्हाट डू यू से, द असोलवाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो हैज रेड हेडेड वल्चर्स भी मिलते हैं यहाँ, एंड इजिप्शियन वल्चर्स भी मिलते हैं. रेड हेडेड वल्चर्स का क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है एंड इजिप्शियन वल्चर्स का इंडेंजर्ड है. तो ये एक पासिंग बाय रेफरेंस आपको पता चाहिए. ठीक है? नेक्स्ट इज इफ यू सी क्लोज टू दिस व्हाट यू से असोलवाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वॉट वी हैव इज वन मोर इम्पॉर्टेंट एरिया. इट इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया because what was it got a status of OECM site, first OECM site in India, and this was given by IUCN. to OECM site kya hai? Other effective area based conservation measure site, OECM site. I'll tell you in what is it and where is this Aravali biodiversity park. Aravali biodiversity park, it is in Gurugram mein hai, ye aapko pata chahiye. And this Aravali biodiversity park, what it has is which type of vegetation, tropically dry deciduous and thorny forest hota hai yahan, ye aapko pata chahiye. See, OECM status matlab kya? So Aravali biodiversity park is neither a wildlife sanctuary, it is neither a national park, it is neither a conservation reserve, neither a community reserve. Still, it has very good biodiversity hai, and it is important with respect to conservation of biodiversity, and it has huge biodiversity and we need to protect it. So, us perspective se other effective, to OECM tag isko milte hai, which are not, matlab, areas which are not part of protected areas, but still are important with respect to, from the perspective of conservation area, such areas are designated by OECM. OECM, such areas are designated by IUCN. In the previous lecture, agar humne, aapne kabhi humara IUCN ka status, IUCN par lecture dekha hoga, environment ke jo char, humne sessions liye honge, there you must have
अगेन वी स्टडीड अबाउट OECM, तो वहां भी हमने पढ़ा था. तो यू शुड नो द फर्स्ट साइट कौन सा है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क. आई विल शो यू द मैप ऑल्सो, गुरुग्राम, गुरुगांव या गुरुग्राम, वॉट एवर यू कॉल इट. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर हियर यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. एटलीस्ट यू शुड नो द नेम, क्योंकि यूपीएससी समटाइम्स आस्क डायरेक्टली गिव्स नेम्स एंड व्हाट आर दीज रिलेटेड टू. तो एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स के नाम सिर्फ आपको पता चाहिए, क्योंकि एक भी इसमें से चमका तो यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन एंड गेट योर आंसर राइट. इसमें कौन सा है, अस्थमा बेल हो गया, ब्रह्मी हो गया, गूगल हो गया, देन रुद्राक्ष, रुद्राक्ष हो गया, हद जोड़ हो गया, वन तुलसी, रक्त मदर एंड निर्गुंडी. निर्गुंडी ये सिर्फ नाम याद रख लो. नाम अगर सिर्फ पासिंग बाय भी अगर आप इसमें से एक प्लांट आ गया, इसका एक ग्रुप आ गया एंड एक भी प्लांट आपको ध्यान में आ गया कि इट इज अ मेडिसिनल प्लांट, यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन. एंड दिस अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क इज नोन फॉर वेरियस मेडिसिनल पार्क. तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए. एज आई टोल्ड यू वेयर इट इज, ये आपको ये साइट पता चाहिए, गुरुग्राम. तो हियर साउथ ऑफ दिल्ली इन द हरियाणा, गुरुग्राम इन द बॉर्डर्स, ये हियर यू विल फाइंड अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क. ठीक है, नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क विच इज इन न्यूज, आपको पता चाहिए, दैट इज कैंगर वैली नेशनल पार्क. कैंगर वैली नेशनल पार्क, वेयर इट इज कैंगर वैली नेशनल पार्क, ये है छत्तीसगढ़ में. सेकेंडली इट वॉज नोन बिकॉज इट वॉज इन न्यूज बिकॉज यहाँ फर्स्ट टाइम बर्ड सर्वे हुआ, इंटरस्टेट बर्ड सर्वे हुआ था. सेकेंड रीजन वाई इट वॉज इन न्यूज रिसेंट, इफ यू सी एन इंपॉर्टेंट टाइप इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ नोटिफाई मतलब ऑब्जर्व की गई थी, दैट इज ऑरेंज बैट फर्स्ट टाइम स्पॉट हुआ था यहाँ. मतलब ऑरेंज बैट, ऑरेंज बैट एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो यहाँ रिसेंटली स्पॉट हुआ था. तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज था कैंगर वैली नेशनल पार्क के बारे में. ये क्या है, नियर थ्रेटेंड है. ऑरेंज बैट क्या IUCN स्टेटस है, नियर थ्रेटेंड है. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट इज इट दिस वैली, दिस नेशनल पार्क डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम कैंगर रिवर विच फ्लोज थ्रू इट्स थ्रू दिस नेशनल पार्क. एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है. आई विल शो यू द रीजन ऑल्सो इन द मैप सेक्शन. ठीक है, यहाँ मिक्स्ड ह्यूमिड डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है. मिक्स्ड डेसिडियस है बिकॉज सेंट्रल इंडिया में आ रहा है, तो आपको पता चाहिए मेजरली डिस डेसिडियस फॉरेस्ट है. फाउना में व्हाट यू विल फाइंड इज मलबार जायंट स्क्विरल, स्पॉटेड डियर, रिसस मैकाव, ग्रे लंगूर, स्लॉथ बियर, इंडियन वुल्फ. ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एनिमल्स यहाँ मिलते हैं. विल लुक इन टू देम डिटेल, लेकिन ये आपको पता चाहिए कौन से है. स्क्विरल मिलता है, स्पॉटेड डियर, मंकीज मिलते हैं, रीसस मंकीज मतलब जो हमारे इंडियन मंकीज है, ग्रे लंगूर, स्लॉथ बियर एंड इंडियन वुल्फ. सेकेंडली अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस एरिया हैज थ्री इंपॉर्टेंट साइट्स विद रेस्पेक्ट टू क्रास टोपोग्राफी. क्रास टोपोग्राफी में व्हाट वी हैव इज स्टैलेगमाइट एंड स्टैलेक्टाइट. तो स्टैलेगमाइट एंड स्टैलेक्टाइट के तीन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इन दिस नेशनल पार्क, कैंगर वैली नेशनल पार्क. कौन से हैं, कुतुम्बसर, कैलाश एंड दंडक. ये तीन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. किसके साइट्स हैं, क्रास टोपोग्राफी के, स्टैलेगमाइट एंड स्टैलेक्टाइट के साइट्स हैं. ये एक इंपॉर्टेंट है, MCQ आ सकता है, मैपिंग पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये नेशनल पार्क. तो ये आपको पता चाहिए. हियर व्हाट यू विल हैव इज तीर्थघर वाटरफॉल एंड कैंगर धारा वाटरफॉल आर लोकेटेड इन दिस नेशनल पार्क. इफ यू सी हियर दिस इज द लोकेशन ऑफ कैंगर वैली नेशनल पार्क. इट इज क्लोज टू ओडिशा. तो ये बॉर्डर ओडिशा की है. इट इज क्लोज टू ओडिशा, फाउंड इन सदर्न छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट में है. क्लोज टू ओडिशा बॉर्डर है बट मेजरली ये छत्तीसगढ़ में फॉल होता है. तो ये आपको पता चाहिए. दिस इज हमारी ओडिशा की, ओडिशा छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है. तो ये कहाँ है, यू कैन गेट इट. एंड दिस इज द सदर्न टिप ऑफ हमारा छत्तीसगढ़. तो ऑन द सदर्न साइड ऑफ छत्तीसगढ़ है. तो दिस पर्सपेक्टिव से यू शुड नो अबाउट दिस. एज आई टोल्ड यू हियर व्हाट यू विल फाइंड इज मलबार जायंट, इंडियन जायंट स्क्विरल. इसको मलबार जायंट स्क्विरल भी बोलते हैं. इट इज दिस स्क्विरल giant squirrel is a state animal of Maharashtra. Again, you should know, state animal of Maharashtra, found in Western Ghats, Eastern Ghats and Satpura ranges mein milta hai. IUCN status least concern. As I told you, yahan sloth bear bhi milta hai. Sloth bear not just in India, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, India mein milta hai. And IUCN status vulnerable hai, forest dwelling hai, forest dweller hai. तो ये स्लॉथ बियर का जब आप फोटोज के साथ इसको लिंक करोगे तो याद रखने के लिए बहुत आसान रहेगा. स्लॉथ बियर, देयर वाज आल्सो वन इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर रिसेंटली डाइड इन इंडिया, 40 इयर्स का था. तो स्लॉथ बियर के पर भी क्वेश्चन आ सकता है. यू नेवर नो
यू नेवर नो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तो होपफुली यू आर एबल टू गेट दिस टू इंपॉर्टेंट इमेज से ज्यादा याद रहता है. तो इंडियन जायंट स्क्विरल या फिर इसको मलाबार जायंट स्क्विरल भी बोलते हैं, महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है. ठीक है ठीक है चलेगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. चलेगा यहाँ एज आई टोल्ड यू यहाँ चीतल भी मिलता है. चीतल हमेशा आपने देखा होगा इसको, स्पॉटेड डियर. एज आई टोल्ड यू डियर और एंटीलोप में क्या है, डियर के जो हॉर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं. एज आई टोल्ड यू ये शेड करते हैं. तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई फोटो देखो तो यू कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीलोप एंड डियर. ठीक है. इट इज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लीस कंसर्न है हमारे रीसेस मैकाओ. ये मेजरली साउथ एशिया में सब जगह मिलते हैं. अगेन लीस कंसर्न है, बट आई जस्ट थॉट कि ये बहुत बार न्यूज में आते हैं, अक्रॉस इंडिया मिलते हैं. तो आई थॉट ऑफ गिविंग अ इमेज एंड IUCN स्टेटस. Majorly across India, you will find these monkeys and cheetal spotted deers milte hai. Next is mouse deer. Mouse deer, it is the smallest deer in India. Highly nocturnal hai. Again, least concern hai. Iska image aap dekh sakte ho. Chalega? Chalega. Theek hai? Theek hai? Next is, again, if you see, Assam mein there are two important national park which is in news. आपको पता चाहिए दिहांग पत्की नेशनल पार्क इज द सेवेंथ नेशनल पार्क रिसेंटली, मतलब लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर दिस नेशनल पार्क वॉज इन न्यूज. बेसिकली यहाँ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है, यू शुड नो ट्रॉपिकल बेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है. मैं बताऊंगा कि ये कहाँ है. इट इज क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश के पास है ये दिहांग पत्की. इट वॉज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट वॉज कन्वर्टेड इन टू अ नेशनल पार्क. यू शुड नो यहाँ दिहांग रिवर फ्लो करती है एंड पत्की इज द हिल at the foot of which this sanctuary is based. पहले ये sanctuary था, तो पत्की hills के नीचे है, दिहांग river flow करती है, इसलिए दिहांग पत्की. यहाँ Chinese pangolin, flying fox, barking deer हो गया, सांबर हो गया, Malayan giant squirrel एक अलग है, वो यहाँ मिलता है, तो ये आपको पता चाहिए. If you see this diagram, यहाँ आपको दिहांग पत्की मिलेगा on the eastern side of Assam. On the eastern side of Assam, Assam में what we have is seven national parks है, which you should know. ठीक है? As I told you, ये Chinese pangolin यहाँ मिलता है. Indian pangolin and Chinese pangolin difference है, you should know कि जो Indian pangolin है, इसके scales larger होते हैं, इसके smaller होते हैं, and ये IUCN status endangered है. Indian pangolins का, Chinese pangolin का क्या है? Endangered है. यहाँ टर्मिनल स्केल इज प्रेजेंट इन इंडियन पैंगोलिन, चाइनीज पैंगोलिन में टर्मिनल स्केल इज, जो लास्ट स्केल इज एब्सेंट है. तो ये डिफरेंस आपको इंडियन एंड चाइनीज पैंगोलिन्स में पता चाहिए. पैंगोलिन्स यू शुड नो कि दीज आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल्स, मोस्ट एनिमल्स विच आर ट्रेडेड इलीगली आर पैंगोलिन्स फॉर मेडिसिनल पर्पसेस इन चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन. ठीक है ठीक है समझ आ गया. दो डिफरेंस आपको जानना जरूरी है. फ्लाइंग फॉक्स, एज आई टोल्ड यू, यहाँ फ्लाइंग फॉक्स लीज कंसर्न है, ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज मलायन जायंट स्क्विरल भी मिलता है. IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन्ड है. इफ यू सी अनदर नेशनल पार्क इन आसाम विच यू शुड नो इज रायमोना नेशनल पार्क. यहाँ इट इज क्लोज टू रिपू रिजर्व फॉरेस्ट. इफ यू सी दिस फिगर, आपको यहाँ से सारे नेशनल पार्क के बारे में आसाम के आपको आइडिया आ जाएगा. दिहांग पत्की हमने देख लिया. दिहांग पत्की के ऊपर व्हाट वी हैव इज दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, दिब्रू साइकोवा. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, मानस एंड रायमोना नेशनल पार्क. तो ये सारे नेशनल पार्क्स के बारे में, ईस्ट टू वेस्ट आ सकते हैं. सबसे ईस्ट में आता है रायमोना, सबसे वेस्ट में आता है दिहांग पत्की. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है. ये नेशनल पार्क्स, इनका लोकेशन जानना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू, जो रायमोना नेशनल पार्क है ना, इट इज क्लोज टू वेरियस रिवर्स. तो ये आपको पता चाहिए. एज आई टोल्ड यू, ये मानस क्या आएगा, मानस के बफर एरिया में आता है. मानस नेशनल पार्क के बफर एरिया में आता है. व्हाट वी हैव इज संकोश रिवर इज इन द वेस्ट. I've got a diagram. This area is Raimona National Park. This is Sankosh River. ये आपको पता चाहिए. Saralbhanga River is in the east. Saralbhanga River, Sankosh River and south में what we have is Pekua River. तो तीन important river है Raimona National Park से जाती है, जो आपको पता चाहिए. ठीक है. And कहाँ है, it is the most western most national park of Assam. ठीक है. Animals यहाँ कौन से मिलते हैं, गोल्डन लंगूर, अगेन एंडेंजर्ड है,
एंडेंजर्ड है, एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड है, टाइगर एंडेंजर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड्स वल्नरेबल है, वल्नरेबल है, गौर वल्नरेबल, इंडियन बाइसन को गौर बोलते हैं, वल्नरेबल है, चीतल, चीतल इज अ टाइप ऑफ डियर विच इज लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न, तो एक स्पॉटेड डियर चीतल लीस्ट कंसर्न, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। एज आई टोल्ड यू क्लाउडेड लेपर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है हमेशा, तो क्लाउडेड लेपर्ड्स एज आई टोल्ड यू IUCN से इट इज वल्नरेबल है, स्टेट एनिमल्स ऑफ मेघालय है, एंड इट वॉज रिसेंटली एडेड टू द रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज so that we can give extra focus on this important animal. Clouded leopards ke bare mein pata chahiye ki majorly they prefer grasslands ho gaya, shrubs ho gaya, subtropical dense tropical forest ho gaya, yahan majorly you will find these clouded leopards. Clouded leopards, see leopards ho gaya, clouded leopards ho gaya, ya fir hamare snow leopards ho gaya, all are vulnerable, so it's important hai. And they are found in Sikkim ho gaya, West Bengal, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, majorly northeast states mein you'll find clouded leopards. Clouded leopard national park important hai, clouded leopard national park kahan hai, what we have is फर्स्ट मतलब डेडिकेटेड क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, त्रिपुरा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज विद इन सिपाझोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, व्हाट वी हैव इज क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है त्रिपुरा में है, दो क्लाउडेड लेपर्ड इज अ नेशनल एनिमल ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय, बट क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क is in Tripura, it is within Sipajhola Wildlife Sanctuary, Sipajhola Wildlife Sanctuary ke andar hai, ek important aspect hai. Next is there is also Bison National Park in Tripura, which is also within Trishna Wildlife Sanctuary. So Tripura mein what you have learned is four protected areas, Clouded Leopard National Park ho gaya, Sipajhola Wildlife Sanctuary, Bison National Park and Trishna Wildlife Sanctuary. So what you have learned is not learned one important national park, lekin aapko agar match the following mein national park and states ka aa gaya to aapko pata chahiye, theek hai. If you see here Tripura mein, here what we have is Clouded Leopard National Park, theek hai. And this, as I told you, Clouded Leopard National Park is within Sipajhola Wildlife Sanctuary, which is also known as Heaven of Biodiversity, Heaven of Tripura bolte hain Sipajhola Wildlife Sanctuary ko. Yeah, moist and deciduous forest milte hain and coffee and rubber plantation hai. So ye ek important part aapko pata chahiye Clouded Leopard National Park ke bare mein. Next is sorry. ठीक है, where we हमने यहां देखा, हमने देखा कौन सा, हम रायमोना नेशनल पार्क देख रहे थे, रायमोना नेशनल पार्क देख रहे थे हम, वी वेंट टू क्लाउडेड लेपर्स, क्योंकि रायमोना में क्लाउडेड लेपर्स मिलते हैं, इसलिए हमने त्रिपुरा के भी सारे क्लाउडेड लेपर्स देख लिए. रायमोना में एक एनिमल मिलता है, दैट इज हुलॉग गिबॉन, आपको पता चाहिए हुलॉग गिबॉन के बारे में पता चाहिए. हुलॉग गिबॉन इज द ओनली एप विच इज फाउंड इन इंडिया, इसके दो सॉरी इसके दो व्हाट यू हैव इज सब स्पीशीज है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. ईस्टर्न इज फाउंड इन अरुणाचल एंड आसाम, इसका वल्नरेबल है IUCN स्टेटन. वेस्टर्न हुलॉग गिबॉन का सब स्पीशीज इज फाउंड इन ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, एंडेंजर्ड है. ये एक इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, ठीक है. अदर एप विच इज ऑलवेज इन यूज इज ओरंगटॉन, दिस स्पीशीज इज गोइंग व्हाट यू से इट इज फेसिंग वेरियस थ्रेट बिकॉज ऑफ पाम कल्टीवेशन करने के लिए व्हाट इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर हैविंग इज ऑल द दिस ओरंगटॉन इज गेटिंग एंडेंजर्ड एंड देयर इज लॉट ऑफ थ्रेट. तो हिलॉग गिबॉन इज ऑल्सो फाउंड इन कौन सा, रायमोना नेशनल पार्क. सो व्हाट वी आर नॉट लुकिंग इनटू इज ओनली जस्ट नेशनल पार्क, हम उसका मैपिंग एस्पेक्ट देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर थिंग्स. हमने क्लाउडेड लेपर्ड देखा तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी देख लिया. होप यहां तक आपको चीजें क्लियर है. गिव मी थम्स अप. हम दो मिनट से हम मतलब विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ये हुलॉग गिबॉन का फोटो है, इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर थिंग्स की कैसे दिखता है. ठीक है यहां तक क्लियर है एवरीवन. गिव मी थम्स अप अगर आपको यहां तक समझ आया.
चलेगा। हम रिवाइज करेंगे लास्ट में, हम रिवाइज करेंगे, मैराथन सेशन है, थोड़ा और एक्स्ट्रा लेंगे, थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेंगे, सो दैट यू रिमेंबर थिंग्स, यू कैन लिंक थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कैसे पढ़ना है वो भी पता चलेगा, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन जब आप वीडियो के साथ देखोगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। चले ठीक है, यस चले चले। नेक्स्ट इज हेमिस नेशनल पार्क वॉज इज ऑल्सो इन न्यूज बिकॉज वॉट वी हैव सीन इज दिस वॉज द हाइएस्ट नंबर, इट वॉज इन न्यूज बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, यू शुड नो, लद्दाख में है। इफ यू सी हियर यू विल फाइंड, यू विल हैव लद्दाख। आई विल शो वन मोर इमेज जहां आपको और क्लियर फॉर्मेट में पता चलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। मेजरली स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड ऑल अलोंग हिमालयन स्टेट्स, ऑल अलोंग हिमालयन स्टेट्स व्हाट यू विल फाइंड इज स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं। स्नो लेपर्ड IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, एंड रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज, ठीक है। दे आर लोकेटेड इन ईस्टर्न लद्दाख रीजन में है, ये आपको पता चाहिए, काराकोरम एंड वेस्ट टिबेटियन प्लेटून के बीच में है, एंड यहाँ पाइन फॉरेस्ट एंड अल्पाइन टूंड्रा वेजिटेशन है बिकॉज क्लोज टू माउंटेन्स। रिवर्स इंडस रिवर बैंक, रुम्बक रिवर, मरहाक रिवर, सुमधा रिवर, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है विच फ्लो थ्रू दिस हेमिस नेशनल पार्क, वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है, ठीक है। कल्चरली भी ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज गोत्सांग गोम्पा एंड हेमिस मॉनेस्ट्रीज आर लोकेटेड लोकेटेड इन हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए अबाउट हेमिस नेशनल पार्क। एज आई टोल्ड यू यहाँ स्नो लेपर्ड मिलता है, यहाँ बहर ब्लू शिप या भरल, भरल भी बोलते हैं, भरल नाम का एक शिप मिलता है, लीस्ट कंसर्न है, फाउंड इन हाई हिमालयस में है, ठीक है। हिमालयन आइबेक्स भी मिलता है यहाँ, लीस्ट कंसर्न है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला था कि इट इज अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज देन साइबेरियन आइबेक्स, तो ये डिफरेंट स्पीशीज है, हिमालयन आइबेक्स एंड साइबेरियन आइबेक्स आर टू डिफरेंट स्पीशीज। इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, भरल का भी लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। स्नो लेपर्ड वल्नरेबल, ठीक है। तो ये हेमिस नेशनल पार्क में मिलते हैं, हेमिस नेशनल पार्क में मिलते हैं। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, ईस्टर्न लद्दाख में है, यू शुड नो। वन मोर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ जम्मू कश्मीर विच वॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन न्यूज इज चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज रिसेंटली इंडिया एस्टैब्लिश फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व नियर दिस सेंचुरी, ठीक है। एंड चांगथांग चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वॉट यू फाइंड इज एन इम्पॉर्टेंट एनिमल दैट इज चीरू। चीरू चांगथांग एज आई टोल्ड यू ऑल द हिमालयन स्टेट में वॉट यू विल फाइंड इज स्नो लेपर्ड है, तो यहाँ भी स्नो लेपर्ड मिलता है, वाइल्ड एस यहाँ मिलते हैं, ब्लैक नेक स्टोक मिलते हैं, एंड दिस सेंचुरी एक्सटेंड टू पैंगोंग लेक, इसके आसपास है सोमोरी सोकारा लेक आर अलोंग दिस चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इफ यू सी हियर दिस इज चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं और एक फिगर आगे दिखाऊंगा, मैप दिखाऊंगा वेर यू विल गेट, ठीक है। तो चांगथांग में वॉट यू हैव इज ये लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो, लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू यहाँ चीरू टिबेटियन एंटीलोप मिलता है, एंटीलोप अगर आप इजीली यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है। एंड इस चीरू से क्या मिलता है, शाहतोश शॉल बनती है बिकॉज ऑफ इट्स हेयर एंड इट इज वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट व्हाट यू से हेयर होता है जिससे सॉफ्टेस्ट शॉल बनती है विच इज हाई वैल्यू है इसका एंड नियर थ्रेटन IUCN स्टेटस है, ठीक है। सॉरी चले चलेगा चलेगा, टिबेटियन एंटीलोप भी बोलते हैं चिरू, ठीक है। नेक्स्ट इज डैचिंगम नेशनल पार्क इज ऑल्सो न्यूज बिकॉज रिसेंटली कश्मीर स्टैग जो इम्पोर्टेंट एनिमल है विच इज स्टेट एनिमल प्रीवियसली वॉज स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर इज रिसेंटली देर वॉज अ न्यूज की यहाँ इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है डैचिंगम, इफ यू सी न्यूज आर्टिकल में था, तो इट इज लोकेटेड इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है। डैचिंगम नेशनल पार्क फॉल्स इन जबरवाना रेंजेस इन वेस्टर्न हिमालयस में है, मॉइस्ट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ, कश्मीर स्टैग
हिमालयन सेरो स्नो लेपर्ड्स यहाँ मिलते हैं, कश्मीर स्टैग ये आपको पता चाहिए, हंगुल भी बोलते हैं। तो रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज़ कि हंगुल का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सो इफ यू सी हियर वॉट यू विल फाइंड इज यहाँ सारे आपको आइडिया आ जाएगी कि कहाँ क्या क्या है। डेचिगम नेशनल पार्क कहाँ है, डेचिगम नेशनल पार्क यहाँ है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क यहाँ है, हेमिस नेशनल पार्क यहाँ है, डेचिगम नेशनल पार्क यहाँ है, ठीक है ठीक है। हंगुल के बारे में पता चाहिए, हंगुल इज व्हाट यू से यूनियन टेरिटरी का भी अभी क्या है, नेशनल एनिमल है। प्रीवियसली स्टेट जब था जम्मू कश्मीर तब का भी नेशनल एनिमल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हंगुल के बारे में ये आपको पता चाहिए, हंगुल के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, गिव मी थम्स अप, गिव मी थम्स अप, ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस टीचिंग ये खासी ठीक ही नहीं हो रही है, चलेगा। एवरीवन इज देयर विथ मी, गिव मी थम्स अप सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप साथ में हो, यू आर देयर विथ मी एंड वी विल ट्राई टू कवर और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। लास्ट में रिवाइज भी करेंगे सो दैट यू आर एबल टू लिंक थिंग्स, चलेगा। एवरीवन, आई वांट एवरीवनस अटेंशन बैक। और एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम डील करने वाले हैं, ठीक है। एवरीवन चलेगा। नेक्स्ट इज कुनो नेशनल पार्क, बिकॉज चीता, इफ यू नो चीता वेयर, मतलब जो व्हाट यू से ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम नाम्बिया टू इंडिया वाज, इट हैपेंड इन कुनो पालपुर नेशनल पार्क। इट इज नियर विंध्यन रेंजेस, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में सबको पता है, लेकिन नियर विंध्यन रेंजेस है। इनिशियली 2018 तक ये क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, देन इट वॉज कन्वर्टेड इंटू नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिफरेंस ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है, तो ऑलरेडी एवरीवन नोज। यहाँ कुनो रिवर फ्लो करती है, विच इज वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर, इंपॉर्टेंट है। डेसिडस, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है यहाँ, एक इंपॉर्टेंट है, विच एक्सटेंड्स, जो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात राजस्थान टू मध्य प्रदेश, तो यहाँ ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है। एनिमल्स में इफ यू सी यहाँ इंडियन लेपर्ड मिलता है, स्लॉथ बियर, ऑलरेडी स्लॉथ बियर का IUCN स्टेटस कैन एनीवन टेल मी, हमने ऑलरेडी लिया है, ठीक है। स्ट्रिप्ड हाइना मिलता है, ढोल एक इंपॉर्टेंट एनिमल है, ढोल इंपॉर्टेंट है, इसको वाइल्ड इंडियन वाइल्ड डॉग बोलते हैं, यहाँ मिलता है, ठीक है। एवरीवन, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ स्लॉथ बियर, ऑलरेडी हमने कवर किया है, वल्नरेबल, ठीक है, वेरी गुड, वल्नरेबल, ठीक है, नॉट क्रिटिकल एंडेंजर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट इज लेपर्ड्स मिलते हैं, हाइनास, बुल्फ्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक एनिमल जो यहाँ मिलता है इज ढोल, ये आपको पता चाहिए। अगर आप देखोगे कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, इट इज क्लोज टू राजस्थान बाउंड्री इन मध्य प्रदेश, ठीक है, दिस इज द बाउंड्री, लेकिन आपको पता चाहिए कि कहाँ है कुनो, कुनो नेशनल पार्क। एज आई टोल्ड यू ढोल इंपॉर्टेंट है, एशियन वाइल्ड डॉग भी बोलते हैं इसको, एशियन या इंडियन वाइल्ड डॉग भी बोलते हैं। फाउंड थ्रू आउट सदर्न रशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ढोल, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, यहाँ ड्राई डेसिडुअस एज आई टोल्ड यू कौन से एनिमल्स मिलते हैं, कौन सी रिवर है आपको पता चाहिए, ठीक है, विंध्यन रेंजेस के प्लास है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश का ही नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ठीक है। फर्स्ट टाइम टाइगर री इंट्रोड्यूस किए गए थे इधर आफ्टर 6 decades, ठीक है। इट इज ऑल्सो क्लोज टू विंध्यन हिल्स, विंध्यन हिल्स के आसपास है, ठीक है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, अगर आप देखोगे कि कंपेयर करोगे कुनो नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। कुनो इज स्लाइटली ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड एंड साउथ, व्हाट यू से साउथ ईस्टर्न साइड में व्हाट वी हैव इज माधव नेशनल पार्क। तो ये आपको कंपेरेटिव आपको पता चाहिए कि कहाँ है दोनों, ठीक है। यहाँ भी ड्राई डेसिडुअस है, एज आई टोल्ड यू कुनो में ड्राई डेसिडुअस है, तो यहाँ भी एक सेंट्रल इंडिया है, रेनफॉल कम होती है, तो डेफिनेटली ड्राई डेसिडुअस मेजरली, एंड थॉर्नी फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं।
लेक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ, सखिया लेक, सखिया सागर हो गया, माधव सागर हो गया, मेदीखेरा डैम, ये इंपॉर्टेंट है, मेदीखेरा डैम यहाँ न्यूज में है, ये सारे प्लेसेस। टाइगर्स मिलते हैं, हाइना, स्लॉथ बियर, क्रोकोडाइल, नीलगाय एंड चिंकारा, नीलगाय चिंकारा यहाँ मिलती है, तो ये सारी चीजें आपको पता चाहिए। माधव नेशनल पार्क, टाइगर रीइंट्रोडक्शन हुआ है इन दिस इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। इफ यू सी नीलगाय, बहुत बार आपने देखा होगा, लार्जेस्ट एंटीलोप है, तो लार्जेस्ट एंटीलोप, एंटीलोप मतलब क्या, हॉर्न्स परमानेंट रहेंगे, नॉन ब्रांच रहेंगे, फाउंड इन नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। दे लिव इन अ लाइटली वुडेड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स में लेते हैं, लीज कंसर्न है, इंपॉर्टेंट है, लीज कंसर्न है, ठीक है, लीज कंसर्न है, चलेगा, समझ आए यहाँ तक। तो ये माधव नेशनल पार्क एंड कूनो नेशनल पार्क कवर्ड है, क्लियर है चीजें, दोनों में क्लोज टू विंध्यन रेंजेस, ड्राई डेसिडुअस और थॉर्नी फॉरेस्ट के आसपास है। माधव नेशनल पार्क में व्हाट यू विल फाइंड इज, यू विल फाइंड अभी टाइगर्स हमने रीइंट्रोड्यूस किए, इसमें नील गाय मिलेंगे, चिंकारास मिलेंगे, स्लॉथ बियर, क्रोकोडाइल। प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे हमारा, तो क्रोकोडाइल हमने बहुत डिटेल में कवर किया है, हमने जो चार लेक्चर्स एनवायरनमेंट के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें कवर किया, इसलिए आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रोकोडाइल फिर से कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उधर हमने घरियाल, इंडियन क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सारा चीजें हमने वहां कवर की थी, इसलिए यहाँ नहीं कवर कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये पता चाहिए ऑलरेडी, आपको अगर टाइगर का IUCN स्टेटस फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है, टाइगर 140 प्लस जो लेक्चर सीरीज था, स्लॉथ बियर कवर किया, नील गाय नीचे कवर किया, चिंकारा कवर किया, तो स्लोली क्या होगा कि एवरी एनिमल आपने फोटो देखा है उसका IUCN स्टेटस भी आपको पता है, सो दैट याद रहेगा, चीजें याद रहेगी, ठीक है। नील गाय मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अगेन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क विच इज इन केरला, अगेन इन न्यूज, बहुत बार न्यूज में रहता है। Here what we have is highest, largest population of lion tail macaw, an endangered species. Lion tail macaw का सबसे ज़्यादा population कहाँ है? Silent Valley National Park, which is a part of Western Ghats Western Ghats का part है, Nilgiri Biosphere Reserve का part है, Kunti River descends and flows through this valley. Animals कौन से मिलते हैं यहाँ? Lion tail macaw, brown wood owl, Malabar wood shrike. इम्पॉर्टेंट नहीं है, व्हाइट थ्रोट किंगफिशर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ कौन सा है? लायन टेल मेकाउ सबसे इंपॉर्टेंट है इस रीजन में, ठीक है। इफ यू सी कहाँ है साइलेंट वैली, तो ये आपको पता चलेगा, ठीक है, साइलेंट वैली आपको एक आइडिया पता चाहिए, ठीक है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क के नॉर्दर्न साइड, मतलब के नॉर्दर्न साइड पर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नीचे, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, बहुत बार यूपीएससी पूछता है ये नेशनल पार्क्स अराउंड वेस्टर्न घाट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो एक बेसिक आइडिया पता चाहिए। वायनाड जहां से राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ा था, साउथ ऑफ इट, ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज हम लायन टेल मकाव आगे देखेंगे। शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज ऑल्सो इन न्यूज, शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सदर्न केरला में है ये, मैं लोकेशन बता दूंगा, एंड इट इज पार्ट ऑफ अगस्तमला बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। एंड व्हाट यू से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, एज इट इज क्लोज टू वेस्टर्न घाट्स, रेनफॉल ज्यादा होता है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यू शुड नो। शेंदुरनी रिवर फ्लोज थ्रू इट, शेंदुरनी रिवर, तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता चाहिए। लायन टेल मकाव मिलता है यहाँ, लायन टेल मकाव, एज आई टोल्ड यू, हम आगे देखेंगे। इफ यू सी शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये यहाँ, यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है, ठीक है। एंड क्लोज टू दिस शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हाट वी इज, तेनमाला डैम है, तो एक इंपॉर्टेंट आपको कहाँ है शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको पता चाहिए, ठीक है। अगस्तमलाय के नॉर्थ में है, अगस्तमलाय बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, अगस्तमलाय बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। लायन टेल मकाव इमेज एंडेंजर्ड है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहता है मेजरली। इफ यू सी तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका तीनों जगह यू विल फाइंड लायन टेल मकाव, ठीक है। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इज एरवाकुलम नेशनल पार्क। फर्स्ट टाइम व्हाट इट वाज फाउंड कि यहाँ दिस नेशनल पार्क वाज इन यूज, की जो थार है
normally there's a specific time when Thar gives birth to new offsprings. So this time what it was observed ki because of climate change, what has happened is that biological cycle is changing overall, and there was an early birth of a Nilgiri Thar in this region, and this is a part of Western Ghats. This Erawakulam National Park is in Kerala, like important, and Nilkurunji flower, which blossoms every 12 years, is found here. ठीक है, ग्रासलैंड्स है, शोला फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस नेशनल पार्क. ठीक है, एरवाकुलम नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है. नीलगिरी थार, एज आई टोल्ड यू, यहाँ मिलते हैं. नीलगिरी थार इज अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, फाउंड इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तीनों में मिलते हैं. IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है. इट इज एंडेमिक टू नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स में ही मिलते हैं, इसलिए तीन स्टेट्स में ही मिलते हैं. वेस्टर्न घाट्स, अलॉन्ग वेस्टर्न घाट, कंप्लीट वेस्टर्न घाट्स में नहीं मिलते, सिर्फ तीन स्टेट्स में यूल फाइंड. ठीक है, तो ये फोटोज आपको पता चाहिए. ठीक है, लायन टेल मका ऑलरेडी हमने देख लिया है, लायन टेल मका. ठीक है, हियर व्हाट यूल फाइंड इज इंडियन बाइसन या गौर, यहाँ मिलता है, वल्नरेबल है, IUCN स्टेटस. तो कौन सा नेशनल पार्क था ये, एरावाकुलम नेशनल पार्क में इंडियन बाइसन भी मिलते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड नो. ठीक है, विच यू शुड नो. ठीक है, ठीक है, मधुमलाय नेशनल पार्क. ठीक है, मधुमलाय नेशनल पार्क क्यों न्यूज में था रिसेंटली, ये जो एलिफेंट विस्पर जिसको ऑस्कर मिला था, इट इज अबाउट टू एलिफेंट्स, ऑर्फन एलिफेंट्स. दिस वॉज शॉट इन दिस मधुमलाय नेशनल पार्क. इट इज एट अ ट्राई जंक्शन ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक. ठीक है, एंड इट इज पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. हियर इज व्हाट वी हैव इज मधुमलाय नेशनल पार्क. ठीक है, एलिफेंट ग्रासेस, हियर यू विल फाइंड इज एलिफेंट ग्रासेस. एक डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास है, एलिफेंट ग्रासेस, बैम्बू मिलता है, टीक, रोजवुड इज फ्यू ऑफ द फ्लोरा विच यू विल फाइंड हियर. टाइगर, एलिफेंट यू विल फाइंड हियर. मलाबार जायंट स्क्विरल, अगेन इंडियन जायंट स्क्विरल, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा था, वो यहाँ हमने ऑलरेडी कवर किया है. गौर ऑलरेडी एवराकुलम बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क में हमने कवर किया. गौर, यहाँ भी गौर मिलता है, वल्नरेबल है. मैंने फोटो, इंडियन बाइसन इज बेसिकली गौर. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. इट इज प्रेजेंट एट द ट्राई जंक्शन ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ठीक है, तो मधुमलाय नेशनल पार्क. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता चाहिए. चलेगा. आई थिंक यस. ठीक है, पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ यू सी वन मोर इम्पॉर्टेंट सेंचुरी, ताला वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. रिसेंटली अ न्यू काइंड ऑफ स्नेक स्पीशीज वॉज फाउंड हियर. दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश. तो एक इम्पॉर्टेंट है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है. हाइट 2400 मीटर्स पर है. रिवर्स पंगे, सिपू, किरांग, सुबानसरी रिवर्स फ्लोस थ्रू इट. क्लाउडेड लेपर्ड, एज आई टोल्ड यू, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड यहाँ मिलते हैं. एक प्लियोब्लास्टस सिमोनी बैम्बू यहाँ मिलता है. एक टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पीशीज है जो आपको पता चाहिए. तो ये कहाँ है, ताली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश. तो एक इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ एक न्यू टाइप ऑफ स्नेक स्पीशीज, लेकिन यूपीएससी मेजरली इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता चाहिए ताली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है. डेफिनेटली यहाँ क्वेश्चन आने के चांसेस है. ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस है. चलेगा. वट आई डू इज, सिंस माई थ्रोट इज नॉट वेल, वट आई डू इज आई शेयर PDF और 4 से 5 ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क बचे हैं जो इम्पॉर्टेंट न्यूज में है. आई शेयर द PDF डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो थ्रू इट. थोड़ा सा आई एम नॉट, ठीक है, सी इफ यू हैव, अगर आपको नोट्स किसी ये है, यू कैन मैसेज मी हियर. वेबसाइट पर टेक्निकल नंबर है, हमने डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया है नोट्स के लिए, वहां भी आपको अगर मैसेज करोगे तो मिलेगी. सेंड मी योर नंबर ऑन दिस फोन नंबर, मैसेज कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, आई विल सॉल्व योर डाउट्स. चलेगा, आई थिंक आई विल स्टॉप हियर.
वील शेयर द नोट्स, ये पूरा नोट्स आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ थोड़ा सा थ्रोट इशूज आई थिंक सो आई शुड स्टॉप हियर. नोट्स में हमने बहुत डिटेल में जो भी और तीन चार इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है वो वहां कवर्ड है, यू कैन कवर इट फ्रॉम देयर. चलेगा, समझ आ रहा है यहाँ तक? लेट्स व्हाट आई डू इज लेट्स रिवाइज हमने स्टार्टिंग से क्या किया है सो दैट यहाँ मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है, और चार पांच इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई शेयर द नोट्स, डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है तो वहां आप मिल जाएगा नोट्स. सब लोग जाके उसको डाउनलोड कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट मैक्सिमम. तो असोल भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? अरावली रेंजेस, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर. ठीक है, एनिमल्स कौन सा मिलता है ये आपको पता चाहिए. ब्लैक बक, लेपर्ड, ब्लैक नेक हेयर. ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुआ है प्रयागराज में. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट इज तालचापार ब्लैक बक सेंचुरी, ग्रासलैंड है, मोतिया ग्रास मिलता है. चिरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान यू विल फाइंड हियर. ठीक है, डेजर्ट कैट फॉक्स भी मिलता है यहाँ. एज आई टोल्ड यू नेशनल स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है. सलमान खान का कन्फ्यूजन हो सकता है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन चिंकारा एंड एंटीलोप, बोथ आर एंटीलोप, लेकिन एंटीलोप में भी एक सब टाइप है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीलोप गैजल्स बोलते हैं. तो चिंकार इज अ गैजल स्मॉल एंड ये आपको पता चाहिए. ब्राउनिश होता है, सॉलिटेयर रहता है, वेयरएज ब्लैक बक आपको पता चाहिए दोनों लीज कंसर्न है. ठीक है, डियर एंड एंटीलोप का डिफरेंस होपफुली इसके बाद आपको क्लियर नहीं हो, क्लियर हो गया होगा. ब्रांच है तो डियर है, एंटीलोप है सिंगल हॉर्न, परमानेंट हॉर्न्स रहते हैं. तो डिफरेंस सबका आपको पता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट इज अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क हमने देख लिया कहाँ है. ठीक है, कैंगर वैली नेशनल पार्क अगेन छत्तीसगढ़ में है, कैंगर रिवर है. यहाँ स्टैलेगमाइट एंड स्टैलेगस्टाइट के तीन इंपॉर्टेंट साइट है, कुतुम्बसार, कैलाश एंड दंडक. ठीक है, ठीक है. जायंट स्क्विरल, इंडियन जायंट स्क्विरल या मलाबार जायंट स्क्विरल दोनों सेम ही है, महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है. कहाँ मिलता है आपको पता चाहिए. स्लॉथ बियर न्यूज में है बहुत बार तो पता चाहिए. चीतल, स्पॉटेड डियर न्यूज में रहता है, रिकस मकाओ. ठीक है, दिहांग पतकी कहाँ है, हमने दिहांग पतकी देखा, रायमोना देखा. डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज पैंगोलिन देख लिया. ठीक है, रायमोना देख लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ईस्ट टू वेस्ट. चलेगा, मेडिसिनल प्लांट्स देख लिए. तो होप आई थिंक सो आई विल स्टॉप हियर, आई विल स्टॉप हियर. होप यू गेट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थ्रू दिस पीडीएफ. पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कीजिए सो दैट यू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट. चलेगा, चलेगा. नेक्स्ट लेक्चर होता है कब होता है? आई टेक 2-3 डेज गैप, उसके बाद होगा. तब तक वी आर प्लानिंग टू रिलीज ए मैपिंग का मैराथन है सेशन, वो रिलीज होगा. दैट इज अ रिकॉर्डेड सेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैपिंग के ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का लेक्चर्स है, तो मेक श्योर ये लेक्चर देखो, इसको मिस मत करो. आने वाला है कल या परसों रिलीज, मंडे मोस्ट प्रॉब्ली मंडे रिलीज करेंगे, मंडे रिलीज करेंगे. चलेगा, ठीक है. मैपिंग का मैराथन है, 12 आवर्स मैराथन भी आ रहा है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, तो वो भी सेशन आएगा. ठीक है, तो मेक श्योर यू डू नॉट वरी अबाउट इट. चले, ठीक. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या तो वहां से आपको डाउनलोड कर सकते हैं. होप दिस सेशन वॉज इफेक्टिव. लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.